हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे। सबा ने एक इंस्टाग्राम पर रील शेयर की है ना, उस पर बात करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर उसने रील शेयर करी है, अभी जो कोलकाता में जो लड़की के साथ केस हुआ है उस पर बहुत सारी स्टोरीज भी चल रही है। मैंने भी उस स्टोरी को री शेयर किया। हुआ तो वो इंडिया में है, लेकिन ये हमारी माशरे की, हर माशरे की एक डार्क हकीकत है जो हम नहीं मानते हैं। ठीक है ना, ये एक बहुत ख़तरनाक, एक काली हकीकत है, एक सियाह हकीकत है जिसको हम नहीं मानते हैं कि औरत किस भी जगह हो वो सेफ़ नहीं है, ख़ास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। ये तीन एशियन ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर औरत को सेफ्टी नहीं हासिल है। यानी वो आज भी अकेले जाने में डरती है, वो आज भी अकेले निकलने में डरती है। तो पता है, यहाँ पर हम एक बात को इसीलिए कहते हैं कि क्यों, फिर पता है मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रही हूँ इस बात को। देखो, इसका कसूर कहीं भी औरत को नहीं है। मैंने ना सभा की रील में कुछ ऐसे कमेंट्स देखे जिस पर मैंने कहा बात करना बनता है। देखो, हर माशरा अलग है। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर औरत पूरी ढुकी छुपी होगी और अगर औरत मर्द के साथ जाएगी तो वो सेफ़ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक के साथ साथ मैं एक और केस भी शेयर करूँगी जो कि पाकिस्तान में हुआ है, ताकि ये जो डार्क जो इन्होंने ये बनाया ना कि औरत जो है वो ढकी छुपी होगी और पाकिस्तान के माशरे में नहीं होगी, ये कहीं से भी नहीं है। ये कहीं से भी भाई है ही नहीं। औरत को चाहे किसी भी हुलिये में हो, उसने अगर अबाया पहना हो, उसने टोपी वाला बुरखा पहना हो या उसने छोटे कपड़े पहने हुए हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। उनको सिर्फ औरत चाहिए, उनको सिर्फ बच्ची चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पर बात करते हैं छोटे कपड़े ये वो, ठीक है। देखो, कपड़े, ये छोटे कपड़े पहनना गलत है, ये हम मानते हैं। अब गलत भी क्यों है ये हम सबको पता है। हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ये सब कुछ बेहयाई और बगैरती में शुमार होता है, ये सबको पता है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट, कोई बुरी बात नहीं है कि आपके इसमें, सबके इसमें अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये बात कहना कि देखो हमारा मुल्क सेफ है, हम पूरे कपड़े पहनते इसलिए हम सेफ हैं, नहीं। अभी रिसेंट 3 दिन पहले अभी एक केस चल रहा था, तकरीबन 2 दिन हुए होंगे हमारी आज़ादी से, 1 दिन पहले की स्टोरी है शायद, वो भी जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, ठीक है, उस दिन की स्टोरी है। एक पाकिस्तानी एक्टर है निमरा खान करके, ठीक है, जिस दिन उसकी, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर लोडेड गन रखी गई, उसको ले जाने की कोशिश की और कोई 4 गार्ड्स उसने बोला आगे खड़े थे लेकिन कोई उसको हेल्प करने के लिए नहीं आया। ये एक पाकिस्तानी मुल्क ही था जहाँ पर ये काम हुआ था, जिस मुल्क को हम बढ़ चढ़ के बोलो ना कि यहाँ पर औरतें पर्दे में निकलती है, यहाँ पर ऐसे केसेस नहीं है। ये केसेस इतना हवा बना ही नहीं। मैं कहती हूँ ऐसे केसेस हवे कितने होंगे, जब एक एक्ट्रेस का केस इतना हवा नहीं बन सका। यानी एक पॉइंट जो लगता है ना, यानी एक बात होती है, जैसे इंडिया में अभी ये चल रहा है इस केस के ऊपर बात, हर बंदा बात कर रहा है, हर बंदे ने कर स्टोरी शेयर की है, वो खामोशी है क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ नहीं ना, वो बच गई, उसने अपने आप को बचा लिया। इसलिए हम वेट करते हैं कुछ हो हमारी जिंदगियों में, कुछ ऐसा गंदा हो फिर हम आवाज़ उठाएं, लेकिन वो भी कुछ दिन की आवाज़ उठेगी उसके बाद बिठा दिया जाएगा। तो ये माइंडसेट रखना कि उसने छोटे कपड़े पहने, उसने इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ और उसने कपड़े पहने इसीलिए उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, इस माइंडसेट से हमें बाहर आना चाहिए। हाँ, गलत को गलत और सही को सही जरूर बोलना चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो यहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए कि उसने ये किया था इसलिए उसके साथ ये हुआ, तो वो सही हुआ है। ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। औरत को आज़ादी है, हर औरत को अपनी तरफ से एक अलग आज़ादी है, ठीक है। वो जैसा खुद को चाहे वो वैसा रख सकती है, जैसा खुद को चाहे वैसा अपना सकती है, वैसे कपड़े पहन सकती है, ठीक है, कोई कपड़े पहनने की मना नहीं है उसको। वो अगर नॉन मुस्लिम है, अगर वो कोई अपने मर्जी के कपड़े पहनना चाह रही है, भाई मुस्लिम में नहीं है इजाज़त। और ये जो सभा इब्राहिम और ये सब ट्रोल होती है ना, देखो मेरा हमेशा होता है कि मैं उनके कपड़ों पे बहुत कम बात करती हूँ। अभी मैंने रिसेंट सितारा यासीन के कपड़ों पे बात की थी कि वो किस किस्म के कपड़े पहन रही है, तो भाई ये सब कुछ बेहयाई है, ठीक है। लेकिन इससे कहीं भी इजाज़त नहीं मिलती है कि औरत के साथ ये गलत हरकत करने की आपको इजाज़त मिल गई है कि अगर उसने कपड़े छोटे पहने हैं या उसने कपड़े टाइट पहने हैं या उसने कपड़े इस किस्म के पहने हैं तो उसके साथ आपको इजाज़त मिल जाती है कि आप उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी समझ के। उस लड़की के साथ जो हुआ है यार, वो एक डॉक्टर थी, ठीक है ना, 36 घंटे की कुछ ड्यूटी करके वो आई थी और उसके साथ ड्यूटी आई भी नहीं थी, आई थिंक उसने बोला कि वो कॉरिडोर में सोई भी थी और वो लेटी थी कुछ देर के लिए, और वहाँ पर उसके साथ ये पूरा सीन हुआ है हॉस्पिटल के अंदर ही। तो सोचो कितनी दर्दनाक, ये तो एक केस आया है, ऐसे कितने केसेस होंगे जो आँख बंद होंगे, जो हमें पता भी नहीं होंगे कितने लोगों के साथ हो जाते हैं। वहाँ पर एक कमेंट मैंने देखा ना पाकिस्तान के मुताबिक कि अपने मुल्क को, किसी की दूसरे मुल्क को गिराने के लिए अपने मुल्क को उठाना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस है, मैंने एक केस आपको रिसेंटली बता दिया निमरा खान का, एक एक्ट्रेस होने के बावजूद भी उसको जो है इजाज़त, उसको भी एक सेफ्टी नहीं मिली, उसको प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो सोचो आम लड़की का क्या हाल होगा। यहाँ भी हमारे यहाँ, ठीक है, मैं बोलूँगी शायद इंडिया से थोड़ा सा कम रेट होगा पाकिस्तान में औरत को लेकर, ठीक, लेकिन हो फिर भी रहा है,
कहीं ना कहीं ये चीज़ें पाकिस्तान में भी फेस हो रही हैं, बहुत जगह पे खामोशी से, तो बहुत जगहों से खुलेआम कुछ चीज़ें सामने आती है, कुछ नहीं आ पाती हैं, लेकिन हो फिर भी रहा है। तो ये तो एक पूरे कहते ना कि दुनिया की आवाज़ होनी चाहिए कि औरत को उसकी आज़ादी दो, औरत को उसकी ज़िंदगी दो। और ये हक नहीं बनता है अगर औरत रात को 3 बजे तुम्हें अकेली मिल रही है तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, या तुम उसको इसलिए क्योंकि वो रात को 3 बजे अकेले कैसे जा रही, बिना मर्द के कैसे जा रही, अब तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, कहीं से हक नहीं बनता है तुम्हारा, तुम्हारा हक नहीं बनता है ये सब कुछ करने का, औरत प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारी, इस चीज़ को तुम समझो। और सोसाइटी को भी ये चीज़ समझनी होगी कि ये चीज़ हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए मैंने मुझे ना इतना शॉक लगा, मुझे अच्छा मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि तुम्हारी मेंटेलिटी छोटी है, ये भाई मेरी मेंटेलिटी ये कहीं से भी नहीं होती है कि अगर वो छोटे कपड़े पहन रही है। मैंने इवन कृतिका के केस में भी कहा था कि अगर कृतिका अरमान मलिक की दूसरी बीवी है तो किसी को भी ये हक नहीं बनता है कि उसको गंदी नज़र से देखा जाए। हाँ, आप अपना राय ज़रूर रख सकते हो, आप अपने कमेंट ज़रूर पास कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन गंदी नज़र से रखना देखना, क्योंकि वो दूसरी बीवी किसी की बन गई है इसलिए वो तुम्हारी भी बन जाएगी और वो तुम्हारे साथ भी चक्कर चला लेगी, ये कौन सा तरीका है, किस किस्म की ये सोच है। और ये सिर्फ इंडिया का और पाकिस्तान का मसला नहीं है, हर मुल्क में ये काम है जहाँ औरत को सेफ्टी नहीं दी जाती। देखो बाहर मुल्कों में मुझे फिर भी लगता है कि औरत को बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, शराब वहाँ भी है, ऐसी चीज़ें वहाँ भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कहीं भी बहुत कम जगह पर है जहाँ पर औरत बिल्कुल सेफ है, मिलता है औरत को जो है वो साथ जाने का, अकेले में अगर वो मिल जाए, अगर वो खास करके रातों में अकेले में मिल जाए तो ये लोग पाए जाते हैं। और इंडिया में ये केसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पर अल्कोहल बहुत आम है, वहाँ पर शराब जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, जिसकी वजह से केसेस पाए जाते हैं, क्योंकि लोगों को होश ही नहीं होता। और पाकिस्तान में ना होते हुए भी आम, वहाँ पर लोगों को होश होते हुए भी लोगों ने ये काम किए। अच्छा, ये एक कमेंट है जिस पर मैंने कहा बात करना बनता है। एक लड़की ने कमेंट किया, जी सही कहा, मैं पाकिस्तान से हूँ और अब यहाँ भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, यानी इसने इसी केस पे बात की है। देन नीचे कमेंट आया, देयर पाकिस्तान में हम लड़कियाँ बहुत सेफ़ हैं क्योंकि यहाँ हम छोटे छोटे कपड़े पहनकर नहीं घूमते, हम हिजाब में होते हैं तो दूसरों की नज़रों की वजह से सेफ़ हैं। अच्छा, ये एक बंदी का कमेंट है, ये मुझे गुस्सा आता है जो अपने आप को पारसा समझती है ना, अपने आप को पारसा नहीं समझो बेटा। नीचे लिखा है झूठ बोलना बंद, झूठ भौंकना बंद करो, ये एक है, ठीक है। देन उसके बाद है, जस्ट बिकॉज तुम्हारा पसंदीदा पीएम नहीं है इसलिए ये मतलब नहीं है कि तुम झूठ बोलो, गेट अ लाइफ। इस तरीके के कमेंट्स किए गए हैं वहाँ पर। ये एक नाजिश थी ब्लॉग्स वाली ने, उसने कहा है कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जो कि ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी औरत कहीं भी सेफ नहीं है, उसने इस तरीके का कमेंट किया हुआ था, ठीक है। वहाँ पर ये और सब के सब चढ़ दौड़े क्योंकि तुम्हारा पसंदीदा पीएम नहीं है। भाई हमारे सामने ये निमरा खान का केस आया ना, फिर उसने उस वक्त पूरे कपड़े पहने हुए थे, थी वो पैंट और टी शर्ट आई थिंक उसी टाइप के, लेकिन कपड़े उसके पूरे थे, आधे कपड़ों की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो कपड़े तो उसके पूरे थे, गलत तो फिर भी उसके साथ हुआ। कहाँ ऐसे गांव देहात होते जहाँ पूरी पूरी औरतें घूंघटों में घूम रही होती, उनके साथ गलत हो रहा होता, उनके साथ रेप हो रहे होते, क्यों भाई? यहाँ पर कवर से तो ताल्लुक ही नहीं बनता। कहाँ लिखा हुआ है मुझे ये बता दो कि अगर औरत ने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए तो उसको तुम्हें हक मिल जाता है कि तुम उसके साथ कुछ भी कर लो, कहाँ मिलता है? हाँ, औरत को हुक्म ज़रूर दिया गया। यहाँ पर देखो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हमें एज अ मुस्लिम हम पर पाबंदियाँ हैं ना, एज अ औरत कभी कभी ये पाबंदियाँ लोगों को बोझ लगती हैं, लगता है कि यार इस्लाम कितना सख्त है, लेकिन फिर हमें कभी कभी लगता है कि यार ये पाबंदियाँ शायद ठीक हैं कि मर्द के साथ चलना, लेकिन आज का दौर ही इतना खराब है, मर्द होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। औरत को जितना हो वो अपने घर में रहना, वो अपने घर में ज़्यादा सेफ़ है। देखो घर भी कभी कभी तो सेफ़ नहीं रहते हैं, जो होना होता है वो घर के अंदर भी हो जाता है, घर भी सेफ़ नहीं है आपकी औरतों के। बहुत सारे ऐसे केसेस भरे पड़े हैं जहाँ अंदर घरों के अंदर जाकर ये सब कुछ किया गया औरतों के साथ, तो घर भी सेफ़ नहीं है। लेकिन हाँ, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि चलो फिर ठीक है, हमें लगता है कि एज अ मुस्लिम हमें लगता है कि यार हमारे पर जो पाबंदियाँ, जो थोड़ी बहुत जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए लगाई गई हैं, क्योंकि माशरा बहुत ख़राब है। वही बात, देखो माशरा बहुत आगे भी बढ़ा। अब हम बात करेंगे इस्लाम का हो गया, ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर अगर हम बच्चियों को ये माहौल देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो क्या होता है, बच्चियाँ पीछे रह जाती, उनको ये सोसाइटी फेस करना नहीं आता, उनको लोग फेस करने नहीं आते, वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाती हैं, उनसे ज़िंदगियाँ चल ही नहीं जा रही होती, उनसे ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ाई जा रही होती, तो ये भी एक डार्क हकीकत है। खैर, इस वीडियो पर जो है सभा की वीडियो पर सभा ने रील बनाई है, अपने आज आज़ादी का दिन है इंडिया में, तो उस पर उसने रील बनाई है कि मैं आज़ादी तो ठीक है हमारे मुल्क को मिल गई, लेकिन हमारे मुल्क की औरतों को कब आज़ादी मिलेगी इन हैवानों से,
ये सीरियसली, ये तो हर मुल्क का मसला है कि कैसे आज़ादी मिलेगी। यहाँ पर छोटे कपड़े पहनना, अबाया पहनना मसले का हल नहीं है। मसले का हल है इन जैसे दरिंदों को रोकना। ये अगर दरिंदे, ये दरिंदे अगर आपको अबाया में भी देखेंगे तो भी नोच खाएंगे, क्योंकि ये दरिंदे हैं। तो इन दरिंदों के लिए हमें बोलना है, हमें औरत को टारगेट नहीं बनाना है कि तुमने छोटे कपड़े पहने थे। भाई वो ठीक है, उसने छोटे कपड़े पहने, वो गलत है, ठीक है, उसका जवाब उसको देना है। तो तुम्हें कहाँ से आज़ादी मिल गई है कि तुम उसके साथ कुछ भी करते फिरो? तुम्हें किधर से आज़ादी मिलती है बता दो ना, किधर से आज़ादी मिलती है कि तुम उसको इतना, चलो जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है वो तो कोई पूरे कपड़े आधे कपड़े वाला सीन ही नहीं था ना, वो तो डॉक्टर थी, उसने तो ड्रेस पहना हुआ था पूरा प्रॉपर, फिर क्या किया गया उसके साथ? वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही थी ना, वो तो लोगों की जानें बचा रही थी ना, फिर उसके साथ क्यों ऐसा किया गया? भाई मैं पाकिस्तान से ज़रूर हूँ, मैं पता है ये ब्लॉग को मैंने मोनेटाइज भी नहीं लगाना है। आपको इस ब्लॉग पे मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी, कोई एड्स नहीं मिलेंगे, इस ब्लॉग की मोनेटाइजेशन ऑफ रहेगी। बस ये है कि सोसाइटी में इस बात को लेकर बात उठाओ, लोगों को शेयर करो कि यार नहीं, हमने जो है एज अ सोसाइटी आज़ादी मिलनी चाहिए औरत को। अगर आप मुस्लिम हो तो आपको ये बोलने का हक नहीं है कि उसने आधे कपड़े पहने थे इसलिए उसके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। ये एज अ मुस्लिम हम पर लानत है, मैं बोलती हूँ, शर्मिंदा होना चाहिए हमें इस बात को लेकर कि हमने ऐसा सोचा भी कैसे, हमने ऐसा बोला भी कैसे। नहीं बोलना चाहिए आपको एज अ मुस्लिम, ठीक है, आपको जो बोलना है कमेंट करना है, आपको अपनी सोच जो रखनी है उस बंदे के लिए रखो, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा है या कोई आपको छोटे कपड़े में दिख रहा है तो आप उसके बारे में ये सोचो कि यार इसके साथ तो ये गलत होनी चाहिए हरकत, क्योंकि वो उसी काबिल है। और यार उस लड़की के साथ जो हुआ है ना, जितना मैंने उस वीडियो में पढ़ा है, मैंने इंस्टा पर जो है वो स्टोरी शेयर की है, मतलब उस लड़की के साथ जिस किस्म का टॉर्चर किया गया है ना, मैं बोलती हूँ यार शर्मिंदा होना चाहिए हमें एज अ इंसान, शर्मिंदा होना चाहिए एज अ कौम, छोड़ दो किस मुल्क में हुआ क्या हुआ, एज अ लड़की हमें देखना चाहिए। हम भी औरत हैं यार, हमारे पास भी बेटी है, हमें सोचना चाहिए किसी की बेटी के साथ भी ऐसा ना हो, किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। भाई उस माँ बाप का सोचो, उस माँ बाप पर गुजरी क्या होगी जब उन्होंने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी होगी। मैं सीरियसली मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। मैंने 2 दिन पहले निमरा खान का केस देखा, निमरा खान का केस भी मेरे सामने आया, मुझे उस पर भी बात करनी थी, बट एज अ ऑडियंस जो है वो मैं बात करने में थोड़ा सा वो हो रही थी कि नहीं यार पता नहीं कोई ऑडियंस इस चीज़ को समझे ना समझे। लेकिन ये 2-3 केसेस ऐसे आज़ादी वाले दिनों में जिस वक्त हम आज़ादियाँ मना रहे, किस बात की आज़ादी मना है हम, किस बात की आज़ादी मना है मुझे बताओ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, हम औरत को, एक औरत को हम आज़ादी नहीं दे सके। आज भी हम इसी थिंकिंग में रहते हैं कि उस औरत को जो है, चलती औरत हमारे लिए मौका है, तो औरत को मौका मत समझो यार। और मैं बोलती हूँ निमरा खान के केस में भी हुआ कि आगे गार्ड्स थे, क्या वो गार्ड्स की नहीं देख सकते थे, उसकी चीखें नहीं सुन सकते थे, उसको बचा नहीं सकते थे, उसको फिर एक फैमिली ने उसको रेस्क्यू किया, उस फैमिली ने उसको बचाया किया। लेकिन क्या ऐसा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज इंसान कि हम भी आवाज़ उठाएं? हम क्यों साइड में कोई भी जुल्म होता हुआ देख के साइड से निकल जाते हैं? हमें बचाना चाहिए। आज हम किसी और के साथ जरूर हुआ है, शायद हम उसके विक्टिम नहीं हैं, लेकिन कल को ये विक्टिम हम भी बन सकते हैं या हमारी औलादे भी बन सकती है। मेरे पास पता है 2 बेटियां हैं ना, मैं कसम से डर जाती हूँ चीज़ें देखकर, जब ऐसा मुझे पता है कि उनको बाहर निकलना है, मैं तो डरती हूँ। मैंने कहा मैं तो नहीं निकलने दे सकती, मैं तो अभी तो मेरे तो माइंड सेट अभी से चेंज होने शुरू हो गए कि ठीक है मैं बोलूँगी भाई जो करना है ना घर में बैठ के करो, मैं तुमको सब कुछ घर में प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि ये माशाल्लाह आपको कभी कभी डरा देता है। लेकिन आपको पता है कि आपको अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर देना है, उनको उनकी आज़ादी देनी है, बट लेकिन आप एज अ माँ जब ये सब कुछ देख रहे होते हो ना, तो आप एक वक्त डर जाते हो कि नहीं यार नहीं देना, नहीं निकालना बच्चियों को बाहर, हम अपनी पंखों में रखेंगे, उनको सेफ रखेंगे। जब ये जो हालात चल रहे हैं ना, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा था ये कमेंट पढ़ के कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। नहीं यार, इंडिया पाकिस्तान से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इंडिया पाकिस्तान से। भाई हर जगह औरत औरत होती है, इसीलिए उस चीज़ को समझो और जितना हो उस बात पर आवाज़ उठाओ, इस केस को जितना हो इंसाफ की उम्मीद दिलाओ कि ये केस इंसाफ हो, उस लड़की के साथ इंसाफ हो, ना कि ये एक पुराने केसेस की तरह जिस तरीके से हमेशा हर केस जो है वो दब जाता है और कोई इंसाफ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इवन ये भी सुना ही आ रहा है कि वो जो हॉस्पिटल जहाँ पर ये हुआ है उसके सामने कॉरिडोर में जो है वो वहाँ पर रेनोवेशन स्टार्ट कर दिए ताकि पूरे प्रूफ मिट गए। मैंने इवन ये देखा है ना कि जो एक नॉर्मल बंदे के जो उसके साथ जो चीज़ हुई है ना, एक नॉर्मल बंदे का जो होता है वो 15 ग्राम होता है और उस बंदी के जिस्म से 150 ग्राम बरामद हुआ है। सोचो उसके साथ क्या नहीं हुआ होगा, मतलब क्या हाल हुआ। मैंने तो जब उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ी है ना, मेरा जिस्म लरस गया, मैं कांप गई हूँ। और ये व्लॉग मैं आपको कह रही हूँ, ये मोनेटाइज भी नहीं है, इस पर कोई एड्स नहीं चलने वाले, क्योंकि मैं किसी का ट्रोमा, मैं किसी की बेबसी या मैं किसी के लिए अगर आवाज़ उठा रही हूँ, एज अ किसी के विक्टिम के लिए किसी आवाज़ उठा रहे हैं, हम उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते।
हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पर हम आवाज़ उठा सकते हैं, भले कुछ ही लोगों को आवाज़ सुनाई दे लेकिन ये आवाज़ उठे। शेयर करो जितना हो, वीडियो को पहुँचाओ, उस लड़की को जितना हो इंसाफ मिले। यार ये इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं बोलती हूँ पाकिस्तान में भी निमरा खान है, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जो जिसने किया है उन क्रिमिनल्स को पकड़ो, उनको कहीं से इजाज़त नहीं मिलती है कि जो हुआ है वो उनका राइट है, कहीं से राइट नहीं है। चलती औरत तुम्हारा मौका नहीं है, चलती औरत तुम्हारी जिम्मेदारी है, मौका नहीं है। रात में मिली हुई 3 बजे की औरत तुम्हारा मौका नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे तुम्हारा रिश्ता लगे ना लगे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम औरत को देखो, सेव करो, ना कि उस औरत को देखकर मजे लेने का सोचो और मौका लेने का सोचो। चलती भी औरत तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये कहीं से भी तुम जज नहीं कर सकते हो कि औरत हमको रात को 3 बजे अकेले मिली इसलिए हमको इजाजत है। भाई रात को 3 बजे बहुत सारी औरतें जो अकेले पेरेंट्स हैं, जिनकी जिंदगी में कितना कुछ ऊपर नीचे चल रहा होगा, वो अकेले कभी किस जिम्मेदारी से वो बाहर होंगी, हमें क्या पता। देखो एक तरफ अगर दूसरा बहुत गंदा पहलू है ना जिंदगी का, तो ये पॉजिटिव पहलू भी है, इसको भी देखना चाहिए कि बहुत सारी औरतें किस वजह से भी बाहर होती हैं। जरूरी नहीं हर औरत मजे के लिए बाहर होगी, हर औरत अपनी इंजॉयमेंट के लिए बाहर होगी, कुछ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही होंगी, कुछ अपनी ड्यूटीज निभा रही होंगी, कुछ किसी परेशानी में बाहर होंगी। तो चलती औरत तुम्हारा मौका नहीं है, उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। एज अ सोसाइटी, एज अ इंसान, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, ये बाउंड्रीज को हटा के सोचना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, हमारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज भी लोगों की जहनीत में इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो ना वो अजीब ही है। मतलब हमारे दिलों में नफरतें डाली गई हैं और वो है हमारे दिलों में, आज भी कहीं ना कहीं पाई जाती है, क्योंकि किसी और मुल्क में हो रहा है ना, इंडिया में हो रहा है, तो हम उस चीज़ पर जाके मजे ले रहे हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे ना, मुझे छोटे कपड़े पहनने वाला कमेंट इतना गुस्सा किया है ना कि छोटे कपड़े पहने हुए, तो ये हक कहाँ से मिलता है उन बगैरतों को कि वो जो है कुछ भी कर जाए उस औरत के साथ, कहाँ से मिलता है, कहीं से नहीं मिलता। खैर बहरहाल, बस इस पे तो मैं ये भी नहीं बोल सकती लाइक करो ना बाबा नहीं करो, कुछ नहीं करो, मैं बोलती हूँ बस आगे पहुँचाओ इस वीडियो को और उस लड़की को इंसाफ मिल रहा है, उस लड़की पर आवाज़ उठाओ, जितनी आवाज़ें उठेंगी उस लड़की के लिए उतना शायद उसको इंसाफ मिलने की एक उम्मीद मिले, क्योंकि हमारे माशरों में इंसाफ भी नहीं है। सबसे बड़ा दुखी हमें यही है।